Hello students, how are you? Hope you all are fine. Today I am going to start a new prose unit 8, The Mumbai Musician. Here Mumbai means Mumbai is a place of a Mumbai is a name of a city, and musician means a person who play different instruments. Here this is a story of a donkey. Have you seen donkey? आप लोगों को पता है डोंकी क्या होता है? डोंकी इज एन एनिमल विच कैरी हैवी लोड्स ऑन इट्स बैक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हियर दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ डोंकी हुज नेम वॉज गुपू. गुपू वॉज वर्किंग इन द हाउस ऑफ द फार्मर. हैव यू सीन फार्मर? आप लोगों ने फार्मर के बारे में सुना है? यस. आप लोगों को राइस दाल वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते? फार्मर. फार्मर ग्रो क्रॉप्स फॉर अस. सो गुपू वॉज वर्किंग इन द हाउस ऑफ द फार्मर. गुपू वॉज कैरिंग हैवी लोड्स सैक ऑफ सुगर केन एंड कॉर्न्स ऑन इट्स बैक. उसके पीछे एक जगह से वो सैक मतलब जो बोरी होती है ना वो अपने पीछे बैक पे लेके जाता था फ्रॉम फार्म टू द फैक्ट्री. सो नाउ गुपू वॉज बिकमिंग वेरी टायर्ड एंड गेटिंग ओल्ड. वो थक भी जाता था और ओल्ड भी हो रहा था. सो फार्मर टोल्ड गुपू दैट यू आर अ गुड डोंकी. क्या बहुत अच्छी डोंकी हो बट नाउ यू आर बिकमिंग ओल्ड एंड गेटिंग टायर्ड. तो बिफोर यू बिकम टू ओल्ड आप बहुत बूढ़े हो जाओ उससे पहले यू गो एंड सी द वर्ल्ड. गुपू वॉज वेरी हैप्पी. Now he say goodbye to his master, means farmer, and he went away. So he decided that he is good at music. So he will go to Mumbai and be a musician. So farmer gave him a corn of a sack of a corn and sugar cane. Sack मतलब पता है वो बोरी. गेहूं की बोरी आती है ना समर सीजन में आपके घर पे. तो फार्मर ने उसे क्या कहा? बोरी दी गेहूं की एंड सुगर केन. सुगर केन मतलब आपको पता है जो आप उत्तरायण में खाते हो ना सैलडी वो. सो गोपू टेक इट एंड वेंट टू मुंबई. गोपू स्टार्ट गोइंग एंड ऑन द वे ही मेट अ डॉग. ही मेट अ डॉग हुज नेम वाज डुपू. डुपू आस्क गोपू वेर आर यू गोइंग. गोपू रिप्लाइड दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ म्यूजिशियन सो आई एम गोइंग टू मुंबई. डुपू सेड आई ऑल्सो वॉन्ट टू कम विथ यू. Now Gupu and Dupu both were going to Mumbai to become a musician. And on a dusty road, there was a dusty road. Mean dusty means kya hota hai? Mitti wala road. And on the way, they both together saw a ball of fur. They asked, "Who are you?" The cat replied, "I am Furry the cat." Now. Furry asked Gupu and Dupu, "Where are you going?" Gupu replied, "We are going to Mumbai to be a musician." Now, Gupu, Dupu, and Furry the cat, the three were going to Mumbai to be a musician. Now, on the way, they saw cock, the cuckoo, cuckoo, the cock. Cuckoo asked Gupu, "Where you all are going?" "I want to join you." "While your band is going, band?" Why he asked band? क्यों Cuckoo ने ऐसा बोला कि band? You know students, when more than one people they are playing music, उसे कहा जाता है band. Now Cuckoo asked Gupu, "Where you all are going?" Gupu replied that we are going to Mumbai to be a musician. I also want to join with you. Now they all four are going to Mumbai to be a musician. Now they all were very tired and hungry. वो लोग बहुत थक गए थे और उन्हें भूख भी लग रही थी. So they saw a house और वो house में एक light चमक रही थी. So they all animals peeped inside the house. Peep मतलब झांकना. And when they peeped inside the house, they saw a table full of delicious food. Delicious means tasty. जैसे कि पिज्जा बर्गर ये टेस्टी होता है ना. वे पहले उनको भूख लग रही थी और जब उन्होंने delicious food देखा they became more hungry.
तो दे डिसाइड कि वी आर गुड एट म्यूजिक, लेट अस सिंग, हम लोग गाना गाएंगे तो अंदर जो गेस्ट है वो लोग हैप्पी हो जाएंगे. सो दे ऑल स्टार्ट सिंगिंग एंड एज सून एज दे स्टार्ट सिंगिंग द गोस्ट इनसाइड द गेस्ट इनसाइड वर वेरी स्केयर, वो लोग डर गए. स्केयर मीन्स डर जाना. दे थॉट द गोस्ट हैज कम, कि भूत आया चलो भागो भागो. बट एंड दे ऑल रेन अवे. बट डू यू थिंक स्टूडेंट्स गोस्ट आया था? नो. क्यों? गेस्ट अंदर डर गए. यू इमेजिन फॉर वन मिनट इफ द डोंकी इज सिंगिंग हाउ यू विल सिंग डोचू डोचू. इफ द डॉग इज सिंगिंग हाउ यू विल सिंग, वॉट वॉइस विल कम? भौ भौ. एंड इफ द कैट इज सिंगिंग हाउ यू विल मेक द नॉइस? म्याऊ म्याऊ. And if the cock is singing, how we will say kukdekku kukdekku. And when this all voice came together, sab saath mein aayegi, to kaisi awaaz aayegi? You will also afraid, no? Aap bhi dar jaoge, scare ho jaoge. So same way, the guest inside became afraid and they ran away. So all the animals went inside the house and ate the food. Patafat patafat khana khaya and they enjoyed a lot. Now students, I will start with new words. Number one is T-I-R-E-D. Tired. Tired means thak jana. Second number is M-U-S-I-C-I-A-N. Musician. Musician means a person who play the instrument. Number third is P-E-E-P-E-D. Pipped. Pipped means झांकना. एज आई टोल्ड यू ऑल द एनिमल्स पिप्ड इनसाइड द हाउस, मतलब उन्होंने खिड़की में से झांका. नंबर फोर्थ इज डी ई एल आई सी आई ओ यू एस. डिलीशियस मीन्स टेस्टी. फिफ्थ नंबर इज जी एच ओ एस टी एस. गोस्ट. गोस्ट मतलब भूत. नंबर सिक्स इज एस सी ए आर ई. स्केयर. स्केयर मीन्स डर जाना. Now our second exercise is, first exercise is word meaning. First number is F-A-R-M-E-R, farmer. Farmer means a person who works in the field. जो हमारे लिए rice, दाल, fruits, vegetable grow करता है वो कौन होता है? Farmer. Second number is C-O-R-N, corn. Corn means grains like wheat, rice, jowar, bajra, उसे कहा जाता है grains. नंबर थर्ड इज टी ओ जी एच जी टी एच ई आर. टुगेदर. टुगेदर मीन्स विथ वन अनदर, मतलब एक साथ. फोर्थ नंबर इज एस सी ए आर ई. स्केयर मीन्स सी ए यू एस आई एन जी. कॉजिंग फियर. फियर मतलब डर जाना.